हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोगों ने काफ़ी मेरे से डिमांड किया, व्हाट्सएप किया, कमेंट के माध्यम से बोला कि सर आप जिस तरीके से क्लास 11 के हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए थे और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे सेमिस्टर 1 हिंदी के एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप इंग्लिश के ऊपर भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करिए ताकि हम लोग को हेल्पफुल हो। मैं तो अभी 12th क्लास के ऊपर काम कर रहा था, 11 को मेरे को लगा इंग्लिश सब्जेक्ट को तो बहुत सारे चैनल पर अपलोड है, तो मेरे को लगा आप लोग वहाँ से कर पाओगे इंग्लिश के लिए, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि आप करिए, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे एग्ज़ाम में, आप थोड़ा इंग्लिश के लिए हेल्प कर दीजिए। तो मैं आप लोग के इंग्लिश के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ, इसमें मैं लगभग 70+ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है और सेमिस्टर 1 का अपने तैयारी कर रहे हैं, 19 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, वो देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर। किस किस सब्जेक्ट का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आपको इंग्लिश का पीडीएफ मिल सकता है, कम्प्लीट चैप्टर का आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा। हिस्ट्री का मैं दे सकता हूँ कंप्लीट चैप्टर का, ज्योग्राफी का दे सकता हूँ, पॉलिटिकल दे सकता हूँ, एजुकेशन दे सकता हूँ, इकोनॉमिक्स दे सकता हूँ। तो ये आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सारे मेरा पीडीएफ जो मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया हो। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 70+ क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है सेमिस्टर 1 के एग्ज़ाम में। मैं तो हालांकि 12 के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया कि सर प्लीज़ बना दो, तो मेरे को बनाना पड़ रहा है। हालाँकि ऐसा मेरा मन नहीं था बनाने का, फिर भी आप लोग के डिमांड को देखते हुए मेरे को बनाना पड़ रहा है। वीडियो को लाइक आप करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है। हमारा जो चैप्टर है प्रोस का, एक चैप्टर मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश क्लास 11 के स्टूडेंट का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, कि द स्वामी एंड मदर वर्शिप, और इसके जो राइटर है वो है सिस्टर निवेदिता। 70+ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज सिस्टर निवेदिताज बर्थ नेम। ओके, बर्थ नेम तो क्या है, मार्गरेट नोवेल। टू नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन स्पिरिचुअल लीडर इंस्पायर्ड सिस्टर निवेदिता टू कम टू इंडिया, तो स्वामी विवेकानंदा। सिस्टर निवेदिता इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन सिटी, तो कोलकाता। इन व्हाट ईयर डिड सिस्टर निवेदिता अराइव इन इंडिया, तो 1898। विच बुक डिड सिस्टर निवेदिता राइट अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हर गुरु, तो द मास्टर एज आई सा हिम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिस्टर निवेदिता प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाई सपोर्टिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। व्हाट वाज सिस्टर निवेदिताज प्राइमरी फोकस इन हर वर्क इन इंडिया, तो वोमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। आगे, विच फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई सिस्टर निवेदिता, तो सुभाष चंद्र बोस। सिस्टर निवेदिता इस्टेब्लिश्ड ए गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता, व्हाट वाज इट्स नेम, तो द रामकृष्णा मिशन गर्ल्स स्कूल। विच नोटेबल इंडियन लीडर गेव सिस्टर निवेदिता हर नेम, तो स्वामी विवेकानंदा। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग विच इंडियन फेस्टिवल एज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, तो रक्षाबंधन। विच सोशल कॉज डिड सिस्टर निवेदिता एडवोकेट फॉर इन एडिशन टू वोमेन्स एजुकेशन, तो हेल्थ केयर फॉर द पुअर। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स टू विच वेल नोन इंडियन मैगजीन,
तो प्रभु द भारता, सिस्टर निवेदिताज एफोर्ट इन एजुकेशन वेयर पार्टिकुलरली फोकस्ड ऑन, तो एस्टैब्लिशिंग स्कूल्स फॉर गर्ल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम निवेदिता गिवेन टू हर बाय स्वामी विवेकानंदा, तो द डिडिक्टेड वन, विच इवेंट डीपली इम्पैक्टेड सिस्टर निवेदिता एंड स्ट्रेंथेंड हर रिसोल्व टू वर्क फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. सिस्टर निवेदिता वाज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिस्टिक मूवमेंट इन इंडिया, इसका आंसर आप देख लीजिए, द स्वदेशी आर्ट मूवमेंट विच इंडियन आर्टिकल आर्टिस्ट वाज ए क्लोज फ्रेंड एंड कोलाबोरेटर ऑफ सिस्टर निवेदिता, आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर. सिस्टर निवेदिता's इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू विच फील्ड ऑफ इंडियन साइंस, तो फिजिक्स. व्हेन डिड सिस्टर निवेदिता पास अवे, ओह तो 1911. हु इज द ऑथर ऑफ द स्वामी एंड मदर वर्शिप, आपको तो आंसर पता ही होगा, सिस्टर निवेदिता, ये तो आपका चैप्टर का ही नाम है. व्हाट वाज स्वामी विवेकानंदाज नेचुरल इंक्लिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस आइडियाज, तो अब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल आइडियाज. एट व्हाट एज डिड स्वामी विवेकानंदा डेवलप द पावर ऑफ इंटरिंग समाधि, देखिए इस आंसर में काफ़ी कंट्रोवर्सी है, मैं कहीं कहीं पर 5 ईयर्स देखता हूँ, कहीं 6 देखता हूँ, और इसमें 8 ईयर्स दिया हुआ है. आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा. विच फिलोसफिकल सिस्टम डिड स्वामी विवेकानंदा फॉलो, तो एडवाटा. नेक्स्ट, विच रिलीजियस ग्रुप डिड स्वामी विवेकानंदा फॉर्मली ज्वाइन इन हिज यूथ, तो साधारण ब्रह्म समाज. विच वर्ड वाज ऑलवेज ऑन स्वामी विवेकानंदाज लीफ इन इंडिया, वर्ड क्या है, मदर. व्हाट वाज स्वामी विवेकानंदाज एटीट्यूड टुवर्ड्स मदर काली ड्यूरिंग हिज ईयरली स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, तो हेट्रेड. नेक्स्ट, हाउ डिड स्वामी विवेकानंदा इवेंचुअली व्यू मदर काली एज ए गाइड इन एवरी लिटिल थिंग, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंदा बिलीव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ब्राह्मण एंड द गॉड्स, दे आर फॉर्म्स सीन बाय भक्ताज. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड स्वामी विवेकानंदा इम्फेसिज अबाउट वर्शिप इन ए टेम्पल, देयर शुड बी नो एक्सेप्शंस इन मेंटेनिंग डिग्निटी एंड सीक्रेटनेस. नेक्स्ट, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंदा रिगार्ड एज मेयरली शॉपकीपिंग, तो वर्शिप डिवोटेड टू ए किंग गॉड. व्हाट डिड स्वामी विवेकानंदा ट्राई टू बैनिश फ्रॉम हिज ओन कॉन्शियसनेस, फियर एंड वीकनेस. व्हाट डिड स्वामी विवेकानंदा आइडेंटिफाई एज ए मिस्टेक रिगार्डिंग ह्यूमन मोटिव्स, तो बिलीविंग दैट प्लीजर इज द ओनली मोटिव. हाउ डिड स्वामी विवेकानंदा व्यू द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, ही रिजेक्टेड इट फॉर डेविल वर्शिप. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड सिस्टर निवेदिता बिगेन टू कंप्रहेंस्ड आफ्टर बीइंग विथ स्वामी विवेकानंदा, the deeper meaning of Kali worship. What was Swami Vivekananda's response when Sister Nivedita struggled with the concept of animal sacrifice? He dismissed her concern lightly.
हाउ डिड स्वामी विवेकानंदा डिस्क्राइब काली वर्शिप इन रिलेशन टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी इट विल बिकम सेंट्रल टू इंडियन वर्शिप अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा व्हाट मस्ट हैपन थ्रू वर्शिप ऑफ द टेरिबल द पीपल मस्ट बिकम वन विथ द टेरिबल हाउ डिड स्वामी विवेकानंदा व्यू रामकृष्ण परमहंसाज इन्फ्लुएंस ऑन हिम रिगार्डिंग काली वर्शिप ही एक्सेप्टेड टू रिलक्टेंटली What was Swami Vivekananda's reaction to the idea that religious ideas are like languages? He agreed enthusiastically. Next, which analogy did Swami Vivekananda use to explain the relationship between Brahman and the God? To the body and its cells. What did Swami Vivekananda realized at the end of his spiritual journey? Answer, that life is a dream. What did Swami Vivekananda believe about the future understanding of Ramakrishna Paramahansa? He would be recognized as a incarnation of Kali. Next, which emotion did Swami Vivekananda experience during his struggle with accepting Kali, the rebellion? Next, how did Sister Nivedita view Swami Vivekananda's teaching on Kali after her conversation with him? She found clarity and an understanding. Next, what does the author describe as a essential part of Swami Vivekananda's consciousness, his worship of the mother? According to passage, how did Swami Vivekananda perceive the concept of evil, a part of the mother? What philosophy did Swami Vivekananda primarily preach in England and America? So, Advaita philosophy. Swami Vivekananda's approach to the gods and Brahman is best described as to believe in both Brahman and the gods. Next, what did Swami Vivekananda say about pleasure and pain? Some are born to seek pain. Which practice did Swami Vivekananda not tolerate in Kali worship? The offering blood to the demons attending Kali. Next, how did Swami Vivekananda describe the relationship between Brahman and the gods? They coexist as different form of the same reality. The author suggests that Swami Vivekananda reconciled the worship of the mother with the highest Vedantic theory of Brahman. What metaphor does the author use to describe Swami Vivekananda's conceptance of the mother? Iska answer ho jayega aapka becoming a slab. Swami Vivekananda's belief in Kali evolved over time from hatred to acceptance. How does the author describe Swami Vivekananda's teaching style? Encouraging and non-restrictive. Which of the following did Swami Vivekananda emphasize in his teachings? The importance of personal experience. What realization does the author attribute to Swami Vivekananda's life journey? All life is a dream. What did Swami Vivekananda mean by unity in complexity? The idea that Brahman incom-
surpasses both unity and diversity. The author suggests that Swami Vivekananda's journey through experience ultimately led him to understand the essence of all religions. What attitude did Swami Vivekananda encourage towards the concept of the terrible, the worship? What does the author indicate as Swami Vivekananda's stance on making experience in temple practices? The strict adherence to traditional customs. The Guardian Angel poem referred to in the passage is associated with which idea? The belief in both Brahman and the gods. What does the author reveal about Swami Vivekananda's yearly perceptions of Sri Ramakrishna? He considered him a brain sick baby. The author suggests that Swami Vivekananda's spiritual struggle was primarily between the mother and Brahman. How did Swami Vivekananda react when asked about animal sacrifice in the temple? He dismissed it with minimal discussion. Swami Vivekananda believed that Ramakrishna Paramahansa was an incarnation of Kali. The author indicates that understanding Swami Vivekananda required adopting the Indian consciousness. What was Swami Vivekananda's reaction when Sister Nivedita expressed her thoughts of Kali being the vision of Shiva? He encouraged her to express it in her own way. And last question होगा इस वीडियो का, स्वामी विवेकानंदाज relationship with the mother can best the described as one of reverence and submission. तो इस वीडियो में इतना ही, और यहीं पे जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त भी होता है. मिलते हैं किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद.